हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एड़ी से लेकर चोटी तक की कोई भी नस बंद या कमजोर है तो खुल जाएगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। जिन लोगों के भी नसें ब्लॉक हैं बॉडी के किसी भी पार्ट की या फिर कमजोर हैं, एक चीज़ बता दी जाए कि नसें जो होती हैं वो पहले ब्लॉक होती है। बॉडी के किसी भी एक नस को ब्लॉक हो जाने पर वो ब्लॉक एरिया में शरीर के किसी भी पार्ट से खून नहीं जा सकता। जिस एरिया में भी खून नहीं पहुंच पाता वो अंग कमजोर पड़ने लगता है। इसी कारण से ये कह सकते हैं कि नसों का कमजोर होना या ब्लॉक होना, इस चीज़ का ट्रीटमेंट आपको मैं बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान है आयुर्वेदिक तरीके से, जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर एक भी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, चाहे सिर की या मोस्टली ये देखा गया है कि जो नसें ब्लॉक होती हैं वो थाइस की या पिंडलियों की, कमर की, यहाँ ज़्यादा होती हैं। नसों का ब्लॉक होना या उनमें कमजोरी आना, इस चीज़ का ट्रीटमेंट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज एक आयुर्वेदिक तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए बताते हैं इसमें क्या करना है और क्या नहीं, और कैसे इसका ट्रीटमेंट आपको परफेक्ट तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नसों को खोलने के लिए और नसों में ताकत देने के लिए आपको अनुलोम विलोम करना जरूरी है, कम से कम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, जो कि हमारे नसों को खोलने का काम करता है। वो भी अगर आप फ्रेश हवा में बैठकर करें तो इसके बेनिफिट्स कई ज़्यादा होंगे। इसके अलावा आपको 10 ग्राम तेज पत्ता, 10 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम मगज जो चाहिए आपको, वो आप चाहें तो तरबूज या तो पम्पकिन के ले सकते हैं, इनमें से किसी के भी मगज आप ले सकते हैं। 10 ग्राम आपको अखरोट लेने हैं, अखरोट वो लेने हैं जिनके शेल बहुत ही आसानी से टूट जाए और इनमें से अखरोट आसानी से निकल जाए। जो बहुत हार्ड होते हैं वो इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अखरोट 10 ग्राम लेना है और काली मिर्च भी 10 ग्राम लेना है। 10 ग्राम आपको अलसी लेनी है, इसके साथ 2-3 ग्राम दालचीनी लेनी है। इन सातों चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक पाउडर तैयार कर लेना है। इस पाउडर को आपको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है, 1 चम्मच। आपको इन सब को मिलाकर कम से कम 10 पुड़िया बनाना है और इसके एक हिस्से को आपको रोजाना लेना है, वो भी गुनगुने पानी के साथ। उसके 1 घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, यानी आप चाहे तो नाश्ता भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नस को बहुत ही परफेक्ट कर देता है, यानी जो नसें कमजोर हो चुकी हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर देगा और जो ब्लॉक है उनको खोल देगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।